लेकिन इस बीच आपको सिल्ली लिए चलते हैं, जहां हिमंता बिस्व शर्मा साहब सुदेश महतो के लिए मतदान में, सुदेश महतो के पक्ष में मतदान करने के लिए जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दिल्ली में एक बेटा का घर में किए थे विकास लिंडा, आदिवासी युवा है, वो उत्पात सिपाही में उनका मृत्यु हुआ। उनका बहन मुझको बोल रहा था कि साहेबगंज में हमारा भाई दौड़ने गया, 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद उनका बीमार हुआ, हॉस्पिटल में लाया, ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दे रहा था लेकिन अंदर में ऑक्सीजन नहीं था, खाली सिलेंडर थे और मेरा भाई गुजर गया। ये आदिवासी बेटा विकास लिंडा का बहन का बात है। अब क्या सरकार चला रहा है, फिर क्या बोले कि यह बच्चा उत्पात सिपाही दौड़ने के लिए नहीं मरा, कोविड का वैक्सीन लिए थे इसलिए मर गया। अरे हेमंत सोरेन जी, कोविड का वैक्सीन तो आप भी लिए थे, ये बात बताओ। अगर आप सुस्त है, आप हेल्थी है, तो मेरा बेटा का क्या कसूर है उसमें? आज आपने जेद करते हो, जुबाओं का ऊपर आपका कोई प्यार नहीं है। आप जुबाओं को नौकरी नहीं दिया, जुबाओं को आपने भत्ता नहीं दिए, और जब जुबा अपना अधिकार मानने के लिए कोशिश किया, आप वो लोगों को पीटा, आप वो लोगों को मारे पीटे। मैंने ऐसा सरकार जिंदगी में नहीं देखा। सुदेश जी बोल रहे थे आज आपका स्कूल में शिक्षक नहीं है, और झारखंड में 1.5 लाख शिक्षक का पोस्ट खाली पड़ा हुआ है, 3 लाख नौकरी खाली पड़ा हुआ है। बीजेपी और एनडीए सरकार, आशु का सरकार आएगा, हम पहला साल में ही 1.5 लाख नौकरी देने का काम करूंगा, ये हमारा वादा है। और ऐसे नौकरी नहीं दूंगा बिना खर्ची बिना परसी, हमें कोई पैसा का जरूरत नहीं है, मोदी जी को कोई पैसा का जरूरत नहीं है, सुदेश महतो का कोई पैसा का जरूरत नहीं है। हम गरीब का बेटा को नौकरी देने का काम करूंगा, हम मैया का सम्मान करने का काम करूंगा, ये हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, मैंने बहुत सरकार देखा हूं, सबका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करता हूं। एक 420 सिस्टम चल रहा है। आज सुदेश जी ने बताया मैया सम्मान 3 महीना से 1000 रुपया मिल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो